छतरपुर जिले में पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का खुलासा किया। इसी को लेकर एसपी अगम जैन ने बताया कि शहर के तीनों थानों ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए 11 आरोपियों को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है। दरअसल विगत दिनों एक मारपीट संबंधी वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें हत्या का प्रयास, अपहरण और विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर आरोपी देवा ठाकुर, अनु घोषी सहित सभी तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके तहत ही सख्ती से पूछताछ करने पर अवैध हथियारों से संबंधित चयन के सभी 11 आरोपियों को गठित पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों से कई अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। पिछले दो दिनों में हमारी पुलिस की टीम ने लगातार कई जगह पर जाकर के धरपकड़ की और कई इनपुट्स थे उसके माध्यम से अवैध हथियारों पर कार्रवाई की है। ऐसे में 11 अपराधी अरेस्ट हुए हैं और 10 कट्टे और 3 धारदार हथियार भी अरेस्ट मिले हैं, जब्ती हुई है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि कौन कौन बेचते हैं। उन 11 अपराधियों के नाम है सिराज उर्फ मिंटू, आसिफ खान उर्फ कटे, सरफराज, गणेश लाल मिश्रा, अंकुर मिश्रा, गौरियार क्षेत्र का सुनील प्रजापति, गोलू विश्वकर्मा, पप्पू गुप्ता, संतोष कुशवाहा, देवा ठाकुर, अन्नू घोष। इन लोगों पर कई लोगों पर 2-5 से ज़्यादा भी अधिक अपराध भी हैं। तो इन लोगों से कट्टे मिले हैं, हथियार मिले हैं, कहाँ से लेके आए थे उसके बारे में भी कुछ पुख्ता जानकारी मिली है। राठ अमीरपुर क्षेत्र का और बांदा क्षेत्र के कुछ इनपुट्स मिले हैं, उस पर भी हमारी टीम कार्रवाई कर रही है। तो हमारा आने वाले समय में यही उद्देश्य है कि अधिकतम अवैध हथियारों पर कार्रवाई हो और छतरपुर में हम कोशिश कर सके कि इस प्रकार के अवैध हथियार